ट्रिपल सिम में सुविधा मतलब यही होती है कि नॉन जो पेशेंट रहते हैं यानी कोमॉर्बिड या फिर जिनका सिम्टम वगैरह भी एकदम नहीं रहता, सिम्टोमेटिक या रहे भी तो माइल्ड, ऐसे पेशेंट हम एडमिट करते हैं। बट अभी ऐसी कंडीशन है कि काफ़ी ज़्यादा सिम्टोमेटिक और लो सेचुरेशन वाले लोग आ रहे हैं, जिस वजह से अभी दिक्कत आ रही है। नहीं, जो सुविधा उनको देना चाहिए, DCHC की सुविधा हमारे पास है नहीं, और सिंपल जो है वो अभी सफिशेंट ही नहीं है। मेनली देखा जाए तो ऑक्सीजन हो गया या फिर बाकी इमरजेंसी ड्रग हो गया, इवन एम्बुलेंस भी हमारे पास पर्सनली कि हम कोई रेफर कर सके, रेफर भी करो तो ऊपर जगह नहीं है, तो जिससे जो काफ़ी दिक्कत। अगर फिजिकल देखा जाए तो 5 है लेकिन सब खाली है, हमने अब भरने के लिए कहे लेकिन गोनिया में भरना हुआ नहीं, अब देखते हैं कब भर पाएंगे। जो भी था हम तो सब अमकिन, हमारे पास सिलेंडर नहीं है, सारे हमारे PSC के इमरजेंसी हमने मंगाए, चारों PSC के वो जमा है, तो वो भी पूरे खाली हो गए। अब भरने के लिए भी दिक्कत जा रही है, पूरे हाल है मुश्किल। प्रोटोकॉल कहते हैं कि हम DCHC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए DCH में, बट वहाँ पे ले नहीं रहे, ऐसा सबको पता है, तो लोग जाने को ही रेडी नहीं, इवन एम्बुलेंस वाले लेके नहीं जा रहे, तो हमें रेफर करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। आता सध्या आमगावमध्ये भवभूती महाविद्यालयामध्ये CCC म्हणजे कोविड केअर सेंटर सुरू आहे आणि त्यामध्ये कमीत कमी 65 पेशंटची सुविधा त्यानुसार बेड वगैरे आहेत आणि सध्या त्यामध्ये 35 पेशंट आहेत, पण त्यामध्ये सुविधाचा अभाव दिसून येत आहे। त्यामध्ये कोणी MBBS डॉक्टर त्याच्यामध्ये देखरेखीकरिता नाही आहेत आणि ऑक्सिजनची असुविधा आहे आणि पेशंटला वेळेवर जेवण मिळत नाही, हे सुद्धा असुविधा आहे। तर ह्याकडे शासन प्रशासनाने लक्ष देऊन डॉक्टरची व ऑक्सिजनची सुविधा करून द्यावे ही माझी शासन प्रशासनाला मागणी आहे।